सलामक मैं वली आप देख रहे हैं बर्ड गलेक्सी ऑफिशियल अच्छा जी सर्दी बहुत हो गई है मैं ऊपर आया हूँ जैसे आप मुझे देख भी रहे होंगे मैंने मैंने आपको पूरा कवर किया हुआ है लेकिन मैंने अपने शेड में हीटर नहीं लगाया हुआ ठीक है और मेरे पीछे एक्साज चल रहा है आपको अगर नज़र आ रहा हो वो देखें गौरधान में एक लगा हुआ है ठीक है आउट का एग्जास मैंने ऑन रखा हुआ है टाइम का एग्जॉस मैंने अभी बंद किए थोड़ी देर पहले क्योंकि बाहर का टम्परेचर कोई छः सात डिग्री चल रहा है और अंदर का टम्परेचर ट्वेल्व डिग्री चल रहा है क्योंकि मैंने कवर अप किया हुआ है थोड़ा सा फ्रंट से और एग्जॉस मैंने ऑन रखे हुए हैं तो मेरे पास कोई मसला नहीं आता माशाल्लाह से एंड बर्ड जो है वो परफेक्टली अपने पास जो है वो ब्रीड भी करते हैं अच्छे से और बैठे हुए भी स्टिक्स पे सही हैं मैं आपको दिखा देता हूँ जो कि मैंने बिल्कुल सामने रखा हुआ है डोर के लेकिन कवर अप किया हुआ कि फ्रंट से हवा ना लगे मैं आपको दिखाता हूँ कि वो बर्ड्स मेरे पास कैसे आए हुए अच्छा ये देखें बर्ड्स बैठे हुए अपनी स्टिक्स के ऊपर ठीक है एंड कोई इनको सर्दी नहीं लगी हुई ठीक है माशाल्लाह से हर बर्ड परफेक्टली फाइन बैठा हुआ है ये मेरे कुछ फॉस्टर बर्ड हैं जो मैंने अपने फ्लाइट केज में इनके डाला हुआ है ठीक है अच्छा देखा आपने मेरे पास मैंने बर्ड्स जो को दिखाए हैं किस तरह आराम से बैठे मिस्टिक्स के ऊपर किसी को कोई मसला नहीं आ रहा एंड uh, आज का टॉपिक मैंने सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसिव पेयरिंग के ऊपर बनाया है एक्सपेंसिव पेरिंग इस तरह कह दें कि जैसे जैसे बर्ड्स की एडिशन हो रही है जैसे जैसे बर्ड न्यू बर्ड ऐड हो रहा है जैसे कि पेल फैलों के अंदर एडिशन हो जाती है जैसे कि आप ग्रेविंग देख लें आ, सफायर देख लें तो पैलेट देख लें पेल देख लें तो इसी तरीके से जैसे जैसे टाइम गुजर गुजारे ना वैसे वैसे आपको अपग्रेशन करनी है अब अपग्रेशन कैसे करनी है आपको देखें हम क्या करते हैं कि हम एक ही मिटेशन को जो है सालों तक रगड़ाते रहते हैं अब क्या हो गया कि आपको अपडेट करना है अपडेट कैसे करना है अब आपके पास ऑफलाइन आप है ठीक है ऑफलाइन लोग कहते हैं कि यार हमारा ऑफलाइन बिकता नहीं है तो वो अपग्रेशन कैसे करेंगे लेकिन थोड़ा पैसे लगाने पड़ेंगे इसके अंदर लेकिन अपग्रेशन होगी और बड़ी अच्छी होगी एंड मैंने कुछ पेयरिंग बनाई हुई है ठीक है अब उस पेयरिंग के अंदर मैंने क्या बनाया कि मैंने पेल फेलो ऑपलाइन बनाए हैं ठीक है एंड uh, मिस्टी पेल फेलो ऑपलाइन बनाए हैं डायल्यूट ऑपलाइन बनाए हैं एंड मिस्टी डायल्यूट ऑपलाइन बनाए अब ये सारी पेयरिंग मैंने क्यों बनाई है ये मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे बताऊंगा कि मैंने ये सब क्यों की है लेकिन एक चीज़ है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है वैसे वैसे आपको अप्रेशन चाहिए चाहिए ठीक है अब जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे पास पेल फैलो जो है वो अब थोड़े अपना रेंज में आ रहा है मतलब 60, 70 के रेंज में आ गया है 50, 60 में मिल जाता है आराम से ग्रीन पेल फैलो ठीक है तो इसी तरह हम ग्रीन पेल फैलो ऑफलाइन में जाएंगे ब्लू पेल फैलो ऑफलाइन में जाएंगे मिस्टी पेल फैलो ऑफलाइन में जाएंगे ग्रीन सीरीज़ में ब्लू सीरीज़ में डायल्यूट ऑफलाइन में जाएंगे डायल्यूट क्या नाम है उसका मिस्टी ऑफलाइन में जाएंगे ग्रीन सीरीज़ में भी ब्लू सीरीज़ में भी तो ये सब पेयरिंग मैंने स्क्रीन के ऊपर बनाई हुई है वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो कोशिश करिएगा एंड तक देखिएगा क्योंकि मैंने इसके अंदर पेयरिंग डिस्क्राइब की हुई है कि पेयरिंग क्या क्या होनी चाहिए एंड मैंने कोशिश की है कि मैं छोटी सी छोटी रकम के उठा मुताबिक उठाऊँ क्योंकि ज़्यादा एक्सपेंसिव पेयरिंग लगा के हम वो रिज़ल्ट लें जो कि हम छोटी पेयरिंग से भी ले सकते हैं तो मेरा ख़्याल से कि हम उसके ऊपर जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है लेकिन मैं एक बात और ऐड कर दूँ कि ये पेयरिंग भी इतनी सस्ती नहीं है जितनी आप लोग समझ रहे होंगे क्योंकि मैंने कुछ बर्ड्स ऐसे यूज़ किए हुए हैं जो जिनकी मार्केट में डिमांड काफ़ी हाई है तो कुछ एक आध बर्ड हमें ऐसा यूज़ करना पड़ जाता है कुछ पेयरिंग के अंदर तो मिलते हैं आपसे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर देखें आगे अच्छा हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे पहुंच गए हैं और जैसे कि मैंने से पहले वीडियो में स्टार्ट बताया था कि आज हम पिलफिल ऑफ लाइन डेल्यू डॉबल मिस्टी पिलफिल ऑफ एंड मिस्टर डेलो डॉपल के बारे में बात करेंगे तो मैंने कुछ विजुअली पिक्चर्स उनकी जो है डिस्क्राइब की हुई है ताकि आप लोगों को पता चल सके कि ऑफलाइन देखने में कैसा होता है पिल्फेल ऑफ में डैल्यू डॉट लाइन में मिस्टी पिल्फिल ऑफ में एंड मिस्टी डब्ल्यू डॉट लाइन में तो ये विजुअली इनकी डिफरेंस है देख लें पिल्फेल ऑफ लाइन डैबल्यू डॉफलाइन मिस्टी पिल्फेल ऑफ एंड मिस्टी डबल्यू डॉट अच्छा तो पहली पेरिंग की बात करते हैं तो पहली पेरिंग में हमने ग्रीन पेल फेलो स्प्लिट ऑफलाइन का मेल लिए एंड ग्रीन स्प्लिट पेल फेलो की फ़ीमेल लिए याद रहे कि हम इसके अंदर कोई भी पेल फेलो ऑफलाइन विजुअली यूज़ नहीं करेंगे पेरिंग के अंदर क्योंकि हमें तो प्रोड्यूस ही वही कराना है तो हमें जब वो कर प्रोड्यूस कराना है तो हम पेल फेलो ऑफलाइन यूज़ नहीं करेंगे उससे पेल फेलो ऑफलाइन प्रोड्यूस करेंगे ठीक है अब इसके अंदर आप देखें कि इस पेरिंग में हमारे पास ग्रीन स्प्लिट पेल फेलो ग्रीन पेल फेलो ग्रीन पेल फेलो स्प्लिट ऑफलाइन जैसे मेल हमने यूज़ किया वैसे बढ़ाएंगे ठीक है और फीमेल में हमारे पास आएंगी ग्रीन पिल्फेलो अपलाइन की ठीक है यानी बात है मैंने आपको बताया कि हम सस्ती पेरिंग तक ही स्टार्ट करेंगे ताकि सस्ती पेरिंग से आगे चाह पाएँ तो ग्रीन पिल्फो पिल्फेलो अपलाइन जो हमारे पास फीमेल में आ रही है ठीक है मेल नहीं होगा वो जो भी फीमेल आएगी ग्रीन पिल्फेलो अपलाइन की वो इस पेरिंग से वो फीमेल ही होगी क्योंकि हमने एक साइड पर स्प्लिट ऑपलाइन का मेल यूज़ किया आगे चलते हैं नेक्स्ट पेयरिंग पेस्ट की तरफ अच्छा नेक्स्ट पेयरिंग के अंदर हमने ग्रीन स्प्रेट पेल फैलोल स्प्लिट लाइन का मेल यूज़ किया और दूसरी साइड पे हमने ग्रीन पेल फेलो की फीमेल यूज़ किया ये ऑलमोस्ट सेम सेम पेरिंग है एक साइड पे हमने पेल फेलो स्प्लिट लाइन का मेल लगाया था इस साइड पे हमने ग्रीन पेल फेलो की फीमेल लगा दी है एंड ग्रीन स्प्रिट पेल फेलो स्प्रिट लाइन का मेल लगाया ठीक है इससे रिजल्ट हमेशा सेम सेम ही आएंगे जैसे हमारे पिछला बर्ड का रिजल्ट था वही सेम रिजल्ट इससे भी आएगा इससे आपके पास जो भी ग्रीन पेल फैलो ऑफलाइन आएगी वो फीमेल होगी ग्रीन ऑपलाइन जो भी आएगी वो फीमेल होगी ठीक है वो स्प्लिट पेल फैलो की होगी तो सेम रिज़ल्ट होगा जैसे पहले वाला पेयर था वैसे ही यही पेयर ठीक है इनकी प्राइस डिफरेंस भी कुछ ज़्यादा नहीं होगी जितनी कीमत में आपको वाला पेयर मिलेगा उतनी ही कीमत में आपको ये वाला पेयर भी ही मिलेगा चलते हैं अपने तीसरे पेयरिंग की तरफ अच्छा तीसरी पेयरिंग में देखिए हमने ग्रीन ऑपलाइन विजुअली जो है स्प्लिट पेयर फेलो का यूज़ किया है ठीक है मेल जो है हमारे पास ग्रीन ऑपलाइन स्प्लिट पेयर फेलो का मेल है और हमने ग्रीन पेयर फेलो की फ़ीमेल के साथ यूज़ किया है हमने एक साइड पर स्प्लिट पेयर फैलो लगाना है और एक साइड पर विजुअल पेयर फेलो लगानी है ठीक है अब देखिए जैसे हमारे पास उसके अंदर चार रिजल्ट आए थे इसके अंदर हमारे पास दो रिजल्ट आए दो रिजल्ट का मतलब ये हुआ कि जितना आपके पास स्प्लिट में कमी आएगी उतने ही आपके पास रिजल्ट आएंगे जैसे कि आपने अब ग्रीन ऑफलाइन सिर्फ स्प्लिट पेल फेलो यूज़ किया ठीक है ये एक स्प्लिट लगाया है अपने ग्रीन ऑफलाइन स्प्रेट पेल फेलो को ग्रीन पेल फेलो विजुल के साथ तो आपके पास रिजल्ट में सिर्फ दो तरह के ही बढ़ आएंगे ठीक है या आपके पास ग्रीन स्प्लिट पेल फेलो स्प्लिट ऑफ लाइन आएगा या ग्रीन पेल फेलो स्प्लिट ऑफ लाइन आएगा मेल में ठीक है और फीमेल में भी सेम ही होगा ज़्यादातर ग्रीन ऑफलाइन की फ़ीमेल आएंगी या ग्रीन ऑफ लाइन पे पे फेल तो तो पे पेल, पेल फेलो की फ़ीमेल आएंगी तो वो आपके पास या तो ऑफलाइन पे स्प्लिट वेल फेलो होगी या ऑफलाइन स्प्लिट या ऑफलाइन लाइन पेल फैलो की फीमेल विचुअली होगी ठीक है तो ये पेयरिंग मेरे मुताबिक जो है सस्ती पेयरिंग में रहते हुए ये पेयरिंग बहुत अच्छी रहती है चलते हैं हम अपनी अगली पेयरिंग की तरफ अच्छा इस वाली पेयरिंग में क्या होगा कि हमारे पास इस एक साइड पर छः रिजल्ट आएंगे यानी दूसरी साइड पर छः रिजल्ट आएंगे वो इसलिए क्योंकि हमने इसके अंदर स्प्लिट ब्लू का एडिशन कर दिया ठीक है स्प्लिट ब्लू दोनों साइडों पर लगाएंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट होगा वो सो सो भी आ सकता है मतलब अगर आपके पास कोई ग्रीन पेल फेलो स्प्लिट ऑफ लाइन आता है तो वो पॉसिबल स्प्लिट ब्लू होगा ठीक है क्योंकि ये दोनों साइडों पे स्प्लिट ब्लू है अब जारी बात है ये आ, जेनेटिक कैलकुलेटर के, के मुताबिक का रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ तो ठीक है अब इसके अंदर से आपके पास ग्रीन स्प्लिट पेल फेलो भी आ सकता है स्प्लिट ऑफ लाइन भी आ सकता है एंड जो स्प्लिट पॉसिबल स्प्लिट ब्लू भी आ सकते हैं ठीक है तो ये तो आपको यही बताएगा अब जो भी ब्लू ऑफलाइन होगा ओ ब्लू पेल फेलो होगा वो स्प्लिट ऑफलाइन होगा रहे क्योंकि आपने मेल जो है वो ऑफलाइन का यूज़ किया ठीक है जो भी ब्लू बर्ड होगा वो स्प्लिट पेल फेलो होगा स्प्लिट ऑफलाइन होगा मेल में ठीक है अब इसके अंदर से फीमेल्स क्या आएंगी ये भी देख लेते हैं अब इसके अंदर से आपके पास फीमेल्स आ रही हैं देखें ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो सही है ग्रीन पेल फेलो ऑफलाइन ठीक है ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट पेल फेलो अब ये जो स्प्लिट ब्लू लिखा हुआ है ना ये पॉसिबल स्प्लिट ब्लू होगा ठीक है ये उस कन्फर्म स्प्लिट ब्लू नहीं होगा क्योंकि आपने दोनों ऊपर पेरेंट्स में स्प्लिट ब्लू यूज़ किए हुए ग्रीन पेल फेलो ऑफलाइन अब आप देखें रिजल्ट में अब ग्रीन पेल फेलो ऑफलाइन एक सिंगल लिखा हुआ है और एक के आगे स्प्रिट ब्लू लिखा हुआ है तो मतलब यहाँ से आपके पास स्प्रिट ब्लू भी आ सकता है ठीक है पॉसिबल में होगा एंड uh, uh, सिर्फ सिंपल भी आ सकता है ठीक हो गया अब चलते हैं अपनी अगली पेयरिंग की तरफ अच्छा अगली पेरिंग में फिर हमने क्या किया कि हमने थोड़ा सा एक्सपेंसिव बर्ड ऐड करना शुरू किया आहिस्ा आहिस्ता तो क्या हो गया कि हमारे पास ग्रीन ऑफलाइन स्प्रिट पेल फैलो स्प्रिट ब्लू के साथ हमने ब्लू पेल फैलो की फ़ीमेल लगा दी अब ये ग्रीन पेल फैलो से थोड़ी सी महंगी होगी ठीक है अब इसका रिजल्ट क्या आएगा इसका रिजल्ट ये आएगा कि आपके पास ब्लू स्प्रिट पेल फैलो स्प्रिट ऑफलाइन ब्लू पेल फलो स्प्रिट ऑफ लाइन ग्रीन स्प्रिट ब्लू स्प्रिट पेल फैलो स्प्रिट ऑफ लाइन ग्रीन पेल फैलो स्प्रिट ब्लू स्प्रिट ऑफ लाइन तो ये आपके पास मेल आएंगे अब इसके अंदर से जो भी वर्ड आपके पास ग्रीन में आएगा वो कन्फर्म स्प्लिट डू होगा ठीक है और जो ब्लू वर्ड होगा वो तो ऑलरेडी होगा अगर मेल में होगा तो स्प्लिट ऑफलाइन होंगे ठीक है अब इन पेयरिंग से आपके पास विजुअली मेल में पेल फेलो ऑफलाइन क्यों नहीं आ रहा वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि अगर हम पेल फेलो ऑफलाइन की या ग्रीन ऑफलाइन यूज़ करेंगे दूसरी साइड पर तब हमारे पास यहाँ पर मेल्स में भी ऑफलाइन आएंगे पेल फेलो में आगे आगे चल के मैंने वो भी ऐड किए हुए ताकि मैं चाह रहा हूँ कि सस्ती से सस्ती पेयरिंग बता के बताते हुए हम महंगे की तरफ चलें अब देखें जैसे फीमेल में हमारे पास ब्लू ऑपलाइन स्प्रिट पेल फैलो ठीक है ब्लू पेल फैलो ऑपलाइन ग्रीन ऑपलाइन स्प्रिट ब्लू स्पिट पेल फैलो एंड ग्रीन पेल फैलो ऑपलाइन ठीक है और वो स्प्लिट ब्लू होगी चलते हैं अपनी एग्ली पेयरिंग की तरफ अच्छा नेक्स्ट वेरिंग में हमने क्या किया कि, कि हम जहाँ पे ग्रीन ऑफलाइन अपना यूज़ कर रहे थे अब हमने उस जगह पे ब्लू स्प्लिट पेल फेलो स्प्लिट ऑफ का मेल ले लिया ठीक है एंड ब्लू पेल फेलो के साथ फीमेल के साथ लगा दिए ब्लू स्प्लिट पेल फेलो स्प्लिट ऑफलाइन ठीक है अब इसके अंदर क्या आएगा अब दोनों बर्ड हमारे पास ब्लू आ गए हैं ठीक है तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमें लिमिटेड होगा मतलब ब्लू स्प्लिट पेल फेलो ब्लू पेल फेलो ब्लू स्प्लिट पेल फेलो स्प्लिट ऑफ ब्लू पेल फेलो स्प्लिट ऑफलाइन ठीक है ये मेल्स आ जाएंगे आपके पास अब फीमेल में जो भी ऑफलाइन आएगी जो भी बर्ड आपके पास ऑफलाइन आप निकला इस पेरिंग से वो फीमेल होगी ठीक है वो स्प्रिट पेल फैलो होती है या विजुअली पेल फैलो होती है वो आपके पास आएगी ब्लू पेल फैलो भी आ सकती है इसमें आपके पास ठीक है एंड ब्लू स्प्रिट पेल फैलो भी आ सकती है अगले पेयरिंग की तरफ चलते हैं अच्छा अगले पेयरिंग में हमने ब्लू ऑफलाइन स्प्लिट पेल फैलो का मेल यूज़ किया है जो ब्लू पेल फैलो की फ़ीमेल के साथ लगाया ठीक है अब हमारे पास में से लिमिटेड रिजल्ट आएगा क्योंकि हमने बर्ड को इतना वो नहीं किया हमने एक ऑफलाइन ब्लू ऑफलाइन स्प्ल्ट पेल फलो का मेल ले लिया एंड ब्लू पेल फेलो की फीमेल ले लिया ठीक है तो हमारे पास जो भी मेल आएगा वो ब्लू स्प्लिट पेल फेलो स्प्लिट ऑफ होगा और ब्लू पेल फेलो स्प्रिट ऑफ लाइन का मेल्स आएंगे ठीक है और जितनी भी ऑफलाइन की आएंगी वो होंगी फीमेल्स ठीक है वो पेल फेलो में आती हैं या सिंपल आती हैं वो स्प्लिट पेल फेलो होंगी जो भी सिंपल होगी तो ये इस तरह की पेयरिंग भी अच्छी रहती है लेकिन ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती है क्योंकि ब्लू पेल फेलो और और ब्लू पेल फेलो और ब्लू अपलाइन स्लेट पेल फैलो का जो पेयर आता है वो कम से कम आल, आ, तकरीबन एक अस्सी एक नब्बे के करीब करीब आता है अगली पेरिंग हम डायलिड अपलान की तरफ जा रहे हैं ठीक है क्योंकि मैं लिमिटेड पेयरिंग बता रहा हूँ ज़्यादा खिचेच नहीं कर रहा ये मैंने पहले बता दिया था वीडियो के स्टार्ट में कि हम एक्सपेंसिव पेयरिंग की तरफ जाएंगे तो एक्सपेंसिव पेयरिंग के अंदर जो है हम अच्छा रिजल्ट लेने की कोशिश करेंगे ठीक है अब हम क्या करते हैं डायलिड अपलान की तरफ चलते हैं ठीक है इसके अंदर हमने पहले क्या किया कि हमने इसके अंदर हमने पहले क्या किया कि हमने ग्रीन ऑफ ग्रीन डायलूट स्प्लिट ऑफ लाइन को लगा दिया ग्रीन स्प्ल्ट डायलूट के साथ ठीक है ये हमारे पास सस्ती पेरिंग इसलिए आई है क्योंकि हमने ग्रीन डायल्यूट स्प्लिट ऑफ लाइन अब ये वर्ड ग्रीन डायलोट स्प्लिट ऑफ लाइन कुछ सस्ता बर्ड नहीं होगा ठीक है ये आलमोस्ट आपको मिलेगा एटी नाइनटी या एक लाख के करीब ही मिल सकता है आपको ठीक है और ग्रीन स्प्लिट डायल्यूट आपके पास थर्टी फोटी तक आपको अरेंज हो जाएगी आराम से अच्छा सिंपली आपको डायलोड ऑफलाइन प्रोड्यूस करने के लिए आपको ये पेयरिंग थोड़ी सी जरूरत हो सकती है क्योंकि अगर आपके पास लिमिटेड बजट है तो उसके अंदर आप ये लगा कि अपने पास डायलूड ऑफलाइन बना सकते हैं ठीक है आपके पास जितने भी मेल आएंगे वो ग्रीन स्प्लिट डायलिड होंगे ठीक है डायल्यूड होंगे ग्रीन स्प्लिट डेलोड स्प्लिट ऑफलाइन होंगे डायलोड स्प्लिट ऑफलाइन होंगे ठीक है अब ये देखिए आपके पास नज़र आ रहा है आपको कि डायलूड एक सिंपल लिखा हुआ है और एक डायलूट के आगे स्प्लिट ऑफलाइन लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि या तो आपके पास डायलूट जो होगा वो स्प्लिट ऑफलाइन होगा या नहीं होगा इसका मतलब होता है कि पॉसिबल चांस होंगे ठीक है इसी तरह फीमेल्स में आप देख लें कि अगर किसी के आगे डायलूट लिखी हुई है किसी के आगे डायलूट ऑफलाइन लिखा हुआ है ठीक है इसी तरह यही मतलब होता है कि या तो डायल्यूट सिंपल होगी या डायलूट ऑफलाइन होगी तो ये एक सस्ती पेरिंग के रहत, अंदर रहते हुए आपके पास डायल्यूट ऑफलाइन की पेयरिंग लगी होगी ठीक है नेक्स्ट पेयरिंग की तरफ चलते हैं नेक्स्ट पेयरिंग में जी हमने लगाया हुआ है ग्रीन स्प्लिट डायल्यूट स्प्लिट ऑफलाइन एंड ग्रीन डायल्यूट की फीमेल ठीक है अब ग्रीन स्प्लिट डेल्यूट डिस्प्ले टॉप लाइन ये भी आलमोस्ट सेम सेम ही रिजल्ट आपको देगा मैं पेयरिंग इसलिए बताता हूँ सेम सेम दो दो तीन तो पेरिंग मैंने इसलिए बनाई हुई ताकि आप लोगों को रेट का ज़्यादा अंदाज़ा रहे ये पेयरिंग भी सेम ही आपके पास होगी ये पेयरिंग आपको मिल जाएगी कम से कम ग्रीन स्प्लिट डेलोट डिस्प्ले टॉप लाइन कम से कम आपके मिला भी बहुत मुश्किल से तो सेवेंटी एट्टी के करीब मिलेगा ठीक है और ग्रीन डैल्यूट जो है वो भी सीजन रेट आएगा तो ये डेढ़ लाख या वन सिक्सटी के अंदर आप ये पेरिंग कॉस्ट करेगी और बच्चे इसके अंदर वही निकलेंगे ग्रीन डायलोट ऑफलाइन आ, आ सकता है आपके पास ग्रीन ऑफलाइन स्प्रिट डायल्यूट आ सकता है अच्छा नेक्स्ट पेरिंग की तरफ चलते हैं अपने अच्छा इस पेरिंग में मैंने बहुत ही सिंपल रखा है ठीक है ग्रीन ऑफलाइन स्प्रेट डायलूट एंड ग्रीन डायलूट की फीमेल ठीक है इस पेरिंग को मैंने इसलिए सिंपल रखा है इसमें से जो भी ग्रीन बार्ड आएगा वो ग्रीन स्प्रिट डायलोट स्प्रिट लाइन होगा मेल में ठीक है जो डायलोड होगा वो ऑफलाइन होगा ऑफ लाइन होगा ठीक है एंड जो फीमेल होगी वो ग्रीन ऑफलाइन स्प्रिट डायलोट की आ सकती है डायलोड ऑफ लाइन की आ सकती है ठीक है अब ये दो फीमेल के अंदर से आ सकती हैं आपके पास जो भी ऑफलाइन आया हुआ वो आपके पास फ़ीमेल में ही आएगा अच्छा हम ये भी कर सकते थे कि हम आ, इस जिस तरह हमने ग्रीन डाइल्यूट यूज़ किया है इस साइड पे हम अगर ग्रीन ऑफलाइन लाइन स्प ही लगा दें साथ में फ़ीमेल तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास मेल में भी ऑफलाइन आना शुरू हो जाएंगे ऑफ़लाइन डाइल्यूट ठीक है लेकिन उससे ये होगा कि आपके पेयर की कॉस्ट बढ़ जाएगी ठीक है वो मैं कर सकता था लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं किया क्योंकि मैं सस्ती पेयरिंग ही कंसिडर करूँगा जब तक हमारे पास बर्ड मल्टीपल टाइप के ऑप्शन हैं तो हम क्यों चाहें महंगे की तरफ सही है अगले पेरिंग की तरफ चलते हैं डायलिट ऑफ प्लान की अच्छा अगले पेरिंग में थोड़ा सा हमने देखें आपने अगर नज़र आ रहा आपको कि हमने ग्रीन स्प्लिट ऑफ लाइन स्प्लिट डायलिट स्प्लिट ब्लू अब ये हमने तीन इसके अंदर स्प्लिट यूज़ किए हैं ठीक है एक बर्ड के अंदर तीन स्प्लिट हैं और दूसरी साइड पे एक स्प्लिट है तो मैंने आपको पहले बताया था कि जितने स्प्लिट ज़्यादा होंगे उतने टाइप ऑफ रिजल्ट ज़्यादा निकलता है ठीक है अब आ, अब इसके अंदर आप देखिएगा कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपका रिजल्ट मिलेगा अब इसके अंदर देखिए आपके पास ग्रीन स्प्रिट डायलूट का मेला आ गया ठीक है डायलूट का मेला आ गया ग्रीन स्प्रिट ब्लू स्प्रिड डायलूट का मेला आ गया अब ये जितने भी स्प्लिट ब्लू होंगे ना वो पॉसिबल होंगे क्योंकि आपने दोनों साइड पर स्प्रिट ब्लू यूज़ किया होगा ठीक है आपके पास जो भी ब्लू बर्ड आएगा मिल्क में अच्छा इस पेरिंग के अंदर देखिए हमने ग्रीन स्प्लिट ऑफ लाइन स्प्लिट डायलूट स्प्लिट ब्लू यूज़ किया हुआ है ग्रीन डायलूट स्प्लिट ब्लू की फीमेल के साथ ठीक है अब इसके अंदर हमारे पास मोस्टली चांसेस क्या होते हैं कि हमारे पास पॉसिबल चांसेस पड़ जाते हैं ठीक है इसलिए मैं इस पेरिंग को कंसिडर नहीं करूँगा ये मैंने बताई हुई है लेकिन ये मैंने सस्ती पेरिंग बताई हुई है अब ये बर्ड आपको मेल तो इसका थोड़ा सा एक्सपेंसिव ही मिलेगा आपको क्योंकि ग्रीन स्प्लिट ऑफ लाइन स्प्लिट डायलोट अगर आप इसको किसी विजुल ऑफलाइन के साथ लगाएंगे तो आपके पास चांसेस ज़्यादा होंगे लेकिन ये एक तरह से इस तरह की पेरिंग है जैसे कि आपको मेरे अंदाजे के मुताबिक एक तीस के अंदर अंदर आपको ये पेयरिंग शायद मिल जाए है। dilute, ठीक है dilute, split blue, split dilute, dilute, split अब ग्रीन स्प्लिट डायलूट ठीक है डायलोट ग्रीन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट डायलोट डायलोट स्प्लिट ब्लू अब डायल्यूट तो कन्फर्म होगा कि जो भी वर्ड अगर ग्रीन में आया था वो स्प्लिट डायलोट तो होगा लेकिन ये कन्फर्म नहीं होगा क्या वो आगे स्प्लिट ऑफ है या नहीं है वो पॉसिबल होगा ठीक है जो भी वर्ड आएगा ग्रीन वो होगा स्प्लिट डायलोट पॉसिबल स्प्लिट ऑफ एंड पॉसिबल स्प्लिट ब्लू ठीक है ये मेल्स में आ जाएंगे आपके पास एंड फीमेल्स में आपके पास ऑफलाइन की मोस्टली फीमेल्स होंगी ठीक है जैसे कि ग्रीन ऑफ स्प्लिट स्प्रिट डायल्यूट होगी डायलोट ऑफ लाइन होगी ग्रीन ऑफ स्प्लिट स्प्रिट डायल्यूट पॉसिबल स्प्लिट ब्लू डायल्यूट ऑफ जो ग्रीन होगी वो पॉसिबल स्प्लिट ब्लू होगी ब्लू ऑफ स्प्लिट स्प्रिट डायल्यूट होगी ठीक है एंड ब्लू डायलूट ऑफ की होगी ये डिफरेंट किस्म के कॉम्बिनेशन बनेंगे लेकिन ये पेयरिंग अच्छी इसलिए है क्योंकि इसके अंदर से आपके पास डायलूट ऑफलाइन ब्लू आएगा लेकिन ये है कि फिर पॉसिबल चांस ज़्यादा होते हैं तो पॉसिबल चांस से अच्छा कि आप विजुअली कोई एक यूज़ करें अच्छा अगले अगली पेयरिंग में हमने यूज़ किया हुआ है ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट डायलूट स्प्लिट ब्लू को ग्रीन डायलोट स्प्लिट ब्लू के साथ उसके अंदर पिछली पेयरिंग में हमने स्प्लिट ऑफलाइन यूज़ किया था इस पेयरिंग में हमने विजुअल ऑफलाइन यूज़ किया ठीक है अब इसके अंदर हमारे पास थोड़ा रिजल्ट उससे कम आएगा अब क्या आ गया हमारे पास इसके अंदर इसके अंदर हमारे पास जो भी ग्रीन या डायलूट बर्ड आएगा वो स्प्लिट ऑफलाइन कन्फर्म होगा ठीक हो गया लेकिन पॉसिबल स्प्लिट ब्लू होगा सेम एटेस इसी तरह हमारे पास जो फीमेल में होंगी वो भी हमारे पास ग्रीन ऑफलाइन की फ़ीमेल्स होंगी जितनी भी आएंगी डायल्यू ऑफलाइन ग्रीन ऑफलाइन जो भी होगी वो पॉसिबल स्प्लिट ब्लू होगी लेकिन कन्फर्म स्प्लिट डायलूड होगी इसमें से डॉक्ट के बाद डायल्यू डॉप लाइन में भी आएगा ठीक है एंड डायल्यू ऑफलाइन ग्रीन में भी आएगा चलते हैं अगली पेयरिंग की तरफ अच्छा अगली पेयरिंग में हमने क्या यूज़ किया है जी डायल्यूट ग्रीन डायलोड स्प्लिट ऑफलाइन को लगाया है हमने अच्छा अब ये पेयरिंग आप देखें ये पेयरिंग बहुत ही मज़े की पेयरिंग है मेरी फेवरेट पेयरिंग जो होती है ना मैं समझ लें आप लोग के यही मेरी फेवरेट पेयरिंग है ग्रीन डायलोड स्प्रिट ऑपलाइन को हमने लगाया है ग्रीन अपलाइन स्प्रिट डायलोड के साथ ठीक है अब इसके अंदर से हमारे पास बर्ड्स देखेंगे क्या क्या आएंगे सबसे अच्छी पेयरिंग थोड़ी सी एक्सपेंसिव है आ, अंदाजन ऐसा लगा लें कि ये पेयरिंग आपको मिलेगी कम से कम वन एटी वन नाइन्टी के करीब ठीक है लेकिन इस पेयरिंग का रिजल्ट आप देखें अच्छा ग्रीन अपलाइन स्प्रिट डायलोड मेल में निकलेगा अच्छा आपके पास ग्रीन ऑफलाइन का मेल स्प्लिट डायलोट होगा डायलोट ऑफलाइन का मेल निकलेगा ठीक है ग्रीन स्प्लिट डायलोट स्प्लिट ऑफलाइन का मेल निकलेगा और डायलूट स्प्लिट ऑफलाइन का मेल निकलेगा ठीक है अब फीमेल्स में क्या आएंगे आपके पास ग्रीन स्प्लिट डायलूट सिंपल डायलोट की फीमेल ठीक है ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट डायलूट एंड डायल्यूट ऑफलाइन आपके पास फीमेल में आएगी तो ये पेयरिंग मेरी सबसे पसंदीदा पेयरिंग है अगर आपने सिर्फ ग्रीन ऑफलाइन लाइन के ऊपर काम करना है तो नेक्स्ट पेयरिंग की तरफ चलते हैं नेक्स्ट पेरिंग के अंदर हमने क्या किया है ये ब्लू डायलोट स्प्रिट ऑफलाइन को उठा के हमने ग्रीन स्प्रिट डायलोट स्प्रिट ब्लू के साथ लगा दिया ठीक है एक साइड पे हमने ब्लू लगाया एक साइड हमने ग्रीन लगाया एक जो हमने ग्रीन लगाया वो स्प्रिट ब्लू है स्प्रिट डायलूट है और एक साइड पर हमने डायलूट विजल ब्लू लगाया जो कि स्प्रिट ऑफलाइन है अब ये इस तरह की पेयरिंग कम्बिनेशन रखेंगे तो आपके पास रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए करेंगे ठीक है थीके? अब आपके पास रिजल्ट देखें इसके अंदर ब्लू स्प्रिट डायलोट ब्लू डायलूट ग्रीन स्प्रिट ब्लू स्प्रिट डायलोट ब्लू स्प्रिट डायलूट ब्लू स्प्रिट डायलोट अब इसके अंदर पॉसिबल स्प्लिट ऑफ लाइन आएंगे ठीक है आपके पास लेकिन जो भी ऑफ लाइन आएंगी वो फीमेल होगी ठीक है लेकिन डायलूड ऑफ लाइन एंड ग्रीन डायलुड ऑफ लाइन ये दोनों आपके पास इस पेरिंग में से आ सकती है अच्छा जो पेयरिंग मैंने पहले पिछली आपको दिखाया था ग्रीन के लिए अब ये पेयरिंग मेरी फेवरेट है ब्लू के लिए ठीक है अब ब्लू के लिए क्यों ज़रूरी है देखें हर आ, ब्लू बर्ड जो होता है ना वो तभी चमकता है तब भी प्यारा लगता है जब वो एक ग्रीन से प्रोड्यूस हुआ होता है तो इस वाले पेयरिंग से जब आपके पास बर्ड आएगा तो आपको खुद भी एक अच्छा लगेगा और उसकी क्वालिटी आप देखेंगे तो मार्केट में आपकी क्वालिटी सबसे अच्छी होगी इन अब देखें इसके अंदर से आपके पास मोस्टली चांसेस होते हैं कि आपके पास ब्लू बर्ड आए ठीक है ठीके? क्या होगा कि आपने ब्लू स्प्लिट ऑफलाइन यानी कि ब्लू डायलोट स्प्लिट ऑफ लाइन को ग्रीन ऑफ लाइन स्प्लिट डायलोट स्प्लिट ब्लू से लगाया है इसके अंदर से आपके पास ब्लू ऑफलाइन स्प्लिट डायलोट ब्लू डायलूट ऑफ लाइन ठीक है ये मेल में आ रहे हैं ब्लू डायलोट ऑफ लाइन ग्रीन ऑफ लाइन स्प्लिट डायलोट स्प्लिट ब्लू अब कन्फर्म स्प्लिट ब्लू होंगे ठीक है और कन्फर्म स्प्लिट ऑफ लाइन होंगे जो भी होगा क्योंकि एक साइड पर आपने विजुअल ऑफ यूज़ किया हुआ एक साइड पर आपने सिंपल ऑफ मतलब स्प्लिट ऑफ यूज़ किया ब्लू स्प्लिट डायलूट स्प्लिट ऑफ लाइन ब्लू डायलोड स्प्लिट ऑफ लाइन ग्रीन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट डायलोट स्प्लिट ऑफ लाइन डायलूड स्प्लिट ब्लू स्प्लिट ऑफ लाइन ये मेल्स में आपके पास आ जाएंगे तो इसमें देखिए आपके पास अगर आप गिनें तो आपके पास ब्लू एंड ग्रीन के कम्बिनेशन बहुत अच्छे बने हुए कोई भी पॉसिबल चांसेस नहीं होंगे इसके अंदर आपके पास ठीक है सेम एट्रेस इसके इसके तरह आपके पास फीमेल में आ जाएंगे ठीक है लेकिन फीमेल में आपके पास ब्लू ऑफ आएगी वो स्प्लिट डायलूट होगी जो ब्लू डायलोड ऑफ आएगी वो तो विजुअली होगी जो ग्रीन ऑफ आएगी वो स्प्लिट ब्लू होगी वो स्प्लिट डायलूट होगी जो डायलोड ऑफ आएगी वो स्प्लिट ब्लू होगी तो ये पेयरिंग की आपके पास अगर आप इसको एज अ बिज़नेस भी कर रहे हैं ना अपने पास तो इस तरह की पेयरिंग लगाएं इस तरह की पेयरिंग आपको जब रिजल्ट देगी तो आपका अपना फ़ायदा है अच्छा नेक्स्ट पेयरिंग के अंदर हमने क्या किया कि, कि हमने ब्लू डायलूट स्प्लिट ऑफ लाइन को हमने लगा दिया ब्लू ऑफ लाइन स्प्रिट डायलूट के साथ हमने पहले ग्रीन भी यूज़ किया था अब हम ब्लू यूज़ कर रहे हैं ठीक है थीके? दोनों बर्ड हमारे पास ब्लू आ गए ठीक है थीके? अब इसके अंदर से हमारे पास क्या आएगा सिर्फ और सिर्फ चार चार किस्म की हमारे पास पेयरिंग आएगी इसके वो बर्ड्स आएंगे सॉरी क्या आएगा ब्लू ऑफ लाइन स्प्रिट डायलोट मेल में ब्लू डायलोट ऑफ लाइन ब्लू स्प्लिट डायलोड स्प्लिट ऑफ लाइन एंड ब्लू डायलोट स्प्लिट ऑफ लाइन ठीक है एंड फीमेल में आपके पास क्या आएंगी ब्लू डायलोट ब्लू स्प्लिट डायलोट सॉरी एंड ब्लू डायलोट ये भी आएगी आपके पास और आपके पास ब्लू डायलोट ऑफलाइन आएगी ठीक है एंड ब्लू ऑफलाइन स्प्रिड डायलोट जैसे आपके पास मेल आएंगे वैसे ही फ़ीमेल आएंगी लेकिन ये होगा कि मेल आपके पास ऑफलाइन आप जो होगा वो आ, थोड़ा सा नीचे की साइड पे आएगा मतलब ब्लू स्प्रिड डायलोट स्प्रिड ऑफलाइन आ रहा है तो यहाँ पे आपके पास ब्लू ऑफलाइन स्प्रिट डायलोट आ रही है अच्छा आगे चलते हैं अब हम मिस्टी की तरफ ठीक है अब मिस्टी बर्ड को हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे ठीक है अच्छा मैंने इस साइड पर आपको आपको मैं दिखा दूँ कि मैंने एक साइड पर सिर्फ मिस्टी यूज़ किया हुआ है ठीक है ग्रीन मिस्टी एंड दूसरी साइड पर नहीं यूज़ किया उसका रीज़न ये है कि ग्रीन मिस्टी जब आप दोनों दो साइड पर लगाएंगे तो वो डी में चला जाएगा ठीक है लेकिन मिस्टी जो होता है वो एस में ही ज़्यादा प्यारा लगता है इसलिए मैंने एस ही मिस्टी प्रोड्यूस कराना है ऑपलाइन के अंदर अब हमने क्या यूज़ किया है ग्रीन स्प्लिट पेल फैलो स्प्रिट ऑपलाइन का मेल है ठीक है एंड ग्रीन मिस्टी स्प्लिट पेल फेलो की फ़ीमेल है ठीक है अब इसके अंदर से हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है ये देखते हैं अच्छा इसके अंदर आप अगर रिज़ल्ट को देखें तो आपके पास एस uh, एफ लिखा होगा इसका मतलब होगा कि सिंगल फैक्टर के सारे बर्ड आएंगे आपके पास ठीक है क्योंकि हमने वन साइड पे सिर्फ मिस्टी लगाया दूसरी साइड पे हमें मिस्टी नहीं यूज़ किया अच्छा अब इसके अंदर आपके पास जो सिंपल बर्ड्स आएंगे ना मतलब जो ग्रीन uh, पे वो आ गया ग्रीन फिशर टाइप बर्ड हो गया या ग्रीन मिस्टी आ गया वो पॉसिबल स्प्लिट पेल फेलो होंगे ठीक है वो इस तरह क्योंकि आपने दोनों के दोनों स्प्लिट पेल फेलो यूज़ किए तो ग्रीन मिस्टी ग्रीन मिस्टी स्प्लिट पेल फेलो अब ये देखें ये दोनों पॉसिबल चांसेस हैं इसलिए इसने अलग अलग लिखा हुआ है कैलकुलेटर के अंदर ठीक है ग्रीन मिस्टी पेल फेलो ठीक है अब ग्रीन मिस्टी स्प्लिट पेल फेलो स्प्लिट ऑफ लाइन भी आ सकता है अब वो ग्रीन मिस्टी पेल फेलो स्प्लिट ऑफ लाइन भी आ सकता है तो इसके अंदर आपके पॉसिबल चांसेस ज़्यादा होंगे और अगर आप फीमेल की तरफ जाएँ तो आपके पास ग्रीन मिस्टी ऑफ जो होगी वो विजुअली होगी ठीक है ग्रीन मिस्टी ऑफलाइन पेल फेलो भी आएगी इसके अंदर से आपके पास जो प्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं हम वही बर्ड इसके अंदर से निकलेगा ठीक है ग्रीन मिस्टी पेल फेलो भी आएगा एंड uh, इसके अंदर सारी बात है फीमेल में स्प्लिट ऑफलाइन तो होता नहीं है तो चांसेस यही होते हैं, हैं कि ज़्यादातर आपके पास फीमेल ही प्रोड्यूस हो तो ग्रीन ऑफलाइन ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो अब स्प्लिट पेल फेलो जो भी आपके पास बर्ड होगा वो पॉसिबल में होगा चलते हैं अपने नेक्स्ट पेरियन की तरफ अच्छा जैसे हमने पिछले पेरिंग में स्प्लिट पेल फेलो दोनों साइडों पर यूज़ किया था इस साइड पे हमने क्या किया कि ग्रीन पेल फेलो स्प्लिट और लाइन को उठा के हमने ग्रीन आ, मिस्टी स्प्लिट पेल फेलो किसी फीमेल के साथ लगा दिया ठीक है अब इसके अंदर से हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास कोई भी पॉसिबल स्प्लिट पेल फेलो नहीं होगा ठीक है जो भी होगा वो स्प्लिट पेल फेलो कन्फर्म होगा मतलब ग्रीन मिस्टी आ रही है तो वो स्प्लिट पेल फेलो अगर ग्रीन मिस्टी पेल फेलो आ रही है तो ये हमारे पास इस तरह होंगे हाँ आपके पास पॉसिबल चांसेस फिर ऑफलाइन में आ जाएगा ठीक है क्योंकि आपने स्प्लिट ऑफलाइन यूज़ किया वो ग्रीन पेल फेलो स्प्लिट ऑफलाइन का मेल एंड तरी बात है हमें ऑफलाइन uh, जो बर्ड प्रोड्यूस कराना है उसके लिए हमें सस्ती पेरिंग की तरफ ही जाना पड़ेगा तो सस्ती पेरिंग हमें वैसे ही तभी मिलेगी जब हम एक अच्छा बर्ड लगा रहे होंगे ठीक है अब हम क्या कर रहे हैं देखिए अगर इसके अंदर आप फीमेल्स uh, में देखें तो ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो आ गया ग्रीन पेल फेलो ऑफलाइन ठीक है ग्रीन मिस्टी पेल फेलो ऑफलाइन जो कि हम प्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं वही चलते हैं अपनी नेक्स्ट पेरिंग की तरफ अच्छा हमने नेक्स्ट पेयरिंग में क्या किया कि ग्रीन मिस्टी पेल फेलो ऑफलाइन की वर्किंग के लिए ग्रीन स्प्लिट पेल फेलो स्प्लिट ऑफलाइन का मेल ले लिया ठीक है एंड ग्रीन मिस्टी ऑफलाइन स्प्लिट स्प्लिट फेलो की फीमेल ले लिए ठीक है मतलब एक साइड पे हमने मिस्टी ले ली और एक साइड से हमने स्प्लिट ऑफलाइन लाइन और स्प्लिट पेल फेलो ले लिए और इस साइड से हमने ऑफलाइन लाइन विजर है एंड स्प्लिट पेल फेलो की फ़ीमेल अब हमारे पास क्या आएगा ग्रीन मिस्टी ऑफलाइन ठीक है ग्रीन मिस्टी ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो ठीक है अब पॉसिबल में चला गया ठीक है पॉसिबल स्प्लिट पेल फेलो ठीक है एंड ग्रीन मिस्टी पेल फेलो ऑफलाइन ठीक है यह मेल में आपके पास आएगा ठीक है ग्रीन ऑफलाइन ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो ग्रीन पेल फेलो ऑफलाइन ठीक है ग्रीन मिस्टी पेल फेलो स्प्लिट ऑफलाइन ग्रीन स्प्लिट ऑफलाइन ग्रीन स्प्लिट पेल फेलो स्प्लिट ऑफलाइन अब आपके पास स्प्लिट ऑफलाइन तो कन्फर्म होगा लेकिन स्प्लिट जो भी बढ़ आएगा स्प्लिट पेल फेलो वो पॉसिबल में होगा विजुअल भी आएंगे आपके पास लेकिन जो बर्ड सिंपल होगा वो आपके पास पॉसिबल में आएगा एंड जो फीमेल की साइड देख लें तो ग्रीन मिस्टी ऑपलाइन आपके पास आ रहा है एंड ग्रीन मिस्टी पेल फेलो ऑप्लाइन आपके पास आ रहा है ठीक है एंड जो भी आपके पास इसमें जो बर्ड आएगा वो अभी आपके पास सिंपल बर्ड होगा वो आपके पास पॉसिबल स्प्लिट पेल फेलो होगा ठीक है और जारी बात है वो ऑफलाइन की फीमेल्स विजुअली होंगी क्योंकि आपने ऑफलाइन एक बार यूज़ किया हुआ है एंड तो दूसरी साइड पे आपने स्प्लिट ऑफलाइन लगाया हुआ चलती है अपनी अगली पेयरिंग की तरफ अच्छा अगली पेयरिंग में देखें ज़रा आपने क्या किया कि स्प्लिट पे पे पेल फेलो लगाया स्प्लिट ब्लू लगाया स्प्लिट ऑफलाइन लगाया एंड दूसरी साइड पर आपने ग्रीन ऑफलाइन मिस्टी स्प्लिट ब्लू एंड स्प्लिट पेल फेलो अब देखें जितने स्प्लिट होंगे ना उसी हिसाब से रिजल्ट भी होगा ठीक है अब देखें आप रिजल्ट देखें सिर्फ गिनते जाएँ रिजल्ट को आपके पास तकरीबन थर्टी एट टू थर्टी सेवन टाइप ऑफ रिज़ल्ट आएंगे ठीक है ये ऑप मेल में थर्टी सेवन थर्टी एट टाइप आपके पास फीमेल मतलब ऑलमोस्ट आपके पास सिक्सटी प्लस रिजल्ट आने के चांसेस होंगे ठीक है लेकिन मैं इसलिए कंसिडर नहीं करूँगा जो भी बर्ड सिंपल होगा वो स्प्रिट पेल फैलो में जाएगा ठीक है पॉसिबल पेल फैलों में जाएगा पॉसिबल स्प्रिट ब्लू में जाएगा ठीक है स्प्रिट ऑफ लाइन तो कन्फर्म होगा जो भी मेल आएगा ठीक है लेकिन पॉसिबल स्प्रिट पेल फेलो हो जाएगा पॉसिबल स्प्लिट ब्लू हो जाएगा तो कुछ बर्ड आपके पास विजुअली आएंगे कुछ बड आपके पास नॉन विजुअली आएंगे तो ऑफलाइन जो होगी आपके पास फीमेल में लेकिन मैंने ऑप्शन इसलिए डाला ये वाला ताकि आपके पास ब्लू पेल फेलो ऑफ लाइन ठीक है मिस्टी में एंड ग्रीन पेल फेलो ऑपलाइन मिस्टी में इधर से भी आ सके ये पहली बात है जितना स्प्लिट लगा होता है ना उतना सस्ता बर्ड मिलता है आपको ठीक है जैसे मिस्टी ऑपलाइन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट पेल फेलो अब इस बर्ड की कीमत अगर आप मार्केट में आ पूछें तो ये आपको मिलेगा कोई सेवेंटी सेवेंटी टू एटी थाउजेंड का ठीक है मिस्टी ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट पेल फेलो ग्रीन सीरीज़ में एंड ग्रीन स्प्लिट पेल फेलो स्प्लिट ब्लू स्प्लिट ऑफलाइन ये भी आपको कम से कम फिफ्टी फाइव uh, से लेकर सिक्सटी के, के दरमियान आपको मिलेगा ठीक हो गया अब इन दोनों की आप uh, कीमत लगा लें तो मेरे अंदाजे के मुताबिक एक तीस एक बीस के करीब करीब होगी अच्छा याद रखिए मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि मैं आपको एक्सपेंसिव पेरिंग ही बताऊंगा ठीक है क्योंकि जहरी बात है जब आपको अच्छा वर्ड प्रोड्यूस करा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा पैसा खर्च करना पड़ता है चलते हैं अगली पेरिंग की तरफ अच्छा अगली पेरिंग में हमने क्या किया कि, कि हमने मिस्टी ऑफ लाइन का ग्रीन में स्प्रेड फेल फैलो स्प्रिट ब्लू का मेल ले लिए एंड ग्रीन फेल फैलो स्प्रेट ब्लू की फीमेल ले लिए अब इसके अंदर से हमारे पास क्या आएगा ग्रीन मिस्टी स्प्रिट पेल फेलो स्प्रिट ऑफ लाइन ठीक है ग्रीन स्प्रिट पेल फेलो स्प्रिट ऑफ लाइन ग्रीन मिस्टी पेल फेलो स्प्रिट ऑफ लाइन ग्रीन मिस्टी पेल फेलो स्प्रिट ऑफ लाइन ग्रीन मिस्टी पेल फेलो स्प्लिट ब्लू स्प्लिट पेल फेलो स्प्रिट ऑफ लाइन अब आपके पास इस पेरिंग में से जो होगा वो ऑफलाइन जो होगा मेल में तो नहीं आएगा वो स्प्लिट ऑफलाइन होगा ठीक है लेकिन जो ऑफलाइन आएंगे वो फीमेल्स की क्योंकि आपने ऑफलाइन का मेल यूज़ किया है तो ग्रीन मिस्टी पेल फेलो ऑफलाइन की आपके पास फ़ीमेल्स आएंगी ब्लू मिस्टी पेल फेलो ऑफलाइन की आपके पास फीमेल्स आएंगी ब्लू पेल फेलो ऑफलाइन की फ़ीमेल आ सकती हैं आपके पास ठीक है तो ये बार ये पेयरिंग भी मेरे हिसाब से बहुत अच्छी पेयरिंग है अच्छा अगले पेयरिंग की तरफ चलें तो हमारे पास क्या आता है कि ग्रीन मिस्टी ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो स्प्लिट ब्लू ठीक है हमने मेल यूज़ किया अब हमने यहाँ पे विजुअली ब्लू पेल फेलो की फ़ीमेल लगा दिए में ठीक है अब इसके से हमारे पास क्या आ है ब्लू मिस्टी स्प्रिट पेल फेलो स्प्लिट ऑफ लाइन ठीक है कोई पॉसिबल चांस नहीं होगा स्प्लिट पेल फेलो का स्प्लिट ब्लू का या स्प्लिट ऑफ लाइन का ठीक है हमने सारे वर्ड यूज किए में ग्रीन मिस्टी ऑफ लाइन भी यूज़ किया हुआ है स्प्लिट स्प्लिट ब्लू भी यूज़ किया हुआ है दूसरी साइड पर हमने ब्लू पेल फेलो लगाई हुई है ठीक है हमारे पास ब्लू मिस्टी पेल फेलो आएगा स्प्लिट ऑफ लाइन में ठीक है फीमेल से हमारे पास ब्लू मिस्टी ऑफ लाइन स्प्लिट पेल फेलो ब्लू ऑफ लाइन स्प्रिट पेल फेलो ब्लू मिस्टी पेल फेलो स्प्लिट ऑफ लाइन ओ स्ट ऑफ लाइन कह रहा अच्छा फीमेल है हमारे पास ब्लू मिस्टी ऑफ लाइन स्प्रिट पे फैलो तो ब्लू ऑपलाइन स्प्रिट पिल फैलो ब्लू मिस्टी पिल फैलो ऑपलाइन ब्लू पिल फैलो ऑपलाइन ग्रीन मिस्टी ऑपलाइन स्प्रिट ब्लू स्प्रिट पेल फैलो ग्रीन ऑफलाइन स्प्रिट ब्लू स्प्रिट पिल फैलो एंड ग्रीन पिल फैलो ऑपलाइन स्प्रिट ब्लू तो इस तरह के बर्ड्स आपके पास आएंगे तो, तो, तो कलर कॉम्बिनेशन भी बड़ा अच्छा रहेगा रिजल्ट भी बड़ा अच्छा रहेगा अच्छा नेक्स्ट फेयरिंग में हमने क्या क्या किया कि, कि हमने ब्लू मिस्टी ऑफलाइन उठा लिया ठीक है अब जैसे हम ग्रीन मिस्टी ऑफलाइन उठा रहे थे अब हमने क्या किया कि, कि हमने ब्लू मिस्टी ऑफलाइन उठाया अब ब्लू मिस्टी ऑफलाइन को हमने लगाया किसके साथ ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो स्प्लिट ब्लू के साथ ठीक है अब इसके अंदर से हमारे पास क्या आएगा कि हमारे पास मेल में भी अच्छा रिजल्ट आएगा एंड फीमेल में भी अच्छा रिजल्ट आएगा क्योंकि हमने दोनों जड़ों पर ऑफलाइन यूज़ किया ठीक है लेकिन जो सिंपल वर्ड आएगा वो पॉसिबल स्प्लिट फेल फेलो होगा याद रखिएगा क्योंकि आपने दोनों साइड पर स्प्रिट फेल फैलो लगाएँ जो कि जो विजुअली फेल फेलो ऑफ लाइन आ गया वो तो ठीक है लेकिन जो नहीं आएगा वो पॉसिबल स्प्रिट फेल फेलो होगा ठीक है इसलिए आपके पास देखें रिजल्ट ज़्यादा आएगा अगर एक भी बड़ा आपके पास विजुअली लगा होता तो आपके पास रिजल्ट कम आता चांसेस जो होते हैं ना टाइप ऑफ रिज़ल्ट कम होते एंड उसकी जो रेशो होती है वो ज़्यादा होती अब ब्लू मिस्टी ऑफलाइन ठीक है मेल में देखें आप ब्लू ऑफलाइन ब्लू मिस्टी ऑफलाइन स्प्लिट वेल फेलो अब ये पॉसिबल स्प्लिट फेल फेलो है ब्लू ऑफलाइन पॉसिबल स्प्रिट फेल फेलो ब्लू मिस्टी पेल फेलो ऑफलाइन अब ये एक विजुअली बर्ड आया हुआ है ठीक है ब्लू मिस्टी पेल फेलो ऑफ ठीक है जो हम बर्ड प्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं जो बर्ड हम प्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं वही बर्ड हमारे पास यहाँ पे आ रहा है ब्लू मिस्टी पेल फेलो ऑफ ठीक है इसी तरह आप ग्रीन सीरीज में देखेंगे तो ग्रीन मिस्टी पेल फेलो ऑफ ठीक है ब्लू मिस्टी पेल फेलो ऑफ यही सेम सीन इसके अंदर भी आएगा फीमेल के अंदर तो इसी लिए मैंने ये कंसिडर की हुई है बाकी लोग लगाते नहीं लगाते हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है लेकिन मैंने खुद ये पेरिंग लगाई भी अपने पास इस पेरिंग में क्या है कि हमारे पास ब्लू मिस्टी ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो का हमने मेल ले लिया एंड ग्रीन पेल फेलो स्प्लिट ब्लू की फीमेल ले ली ठीक है एक साइड पर हमने विजुअल ब्लू लिया एक साइड पर हमने स्प्लिट ब्लू लगाया एक साइड पर हमने ऑफलाइन लगाया एक साइड पर हमने नॉन ऑफलाइन लगाया ठीक है एक साइड में हमने स्प्लिट पेल फेलो लगाया एक साइड पे हमने विजुअल पेल फेलो लगाया अब ब्लू मिस्टी स्प्लिट पेल फेलो स्प्रिट ऑफलाइन भी कन्फर्म होगा स्प्रिट ऑफलाइन भी कन्फर्म होगा स्प्लिट पेल फेलो भी कन्फर्म होगा ठीक है ये पेयरिंग सबसे फेवरेट पेयरिंग होती है ठीक है ब्लू स्प्लिट Fellow split pale fellow स्प्लिट ऑफ line ब्लू मिस्टी pale fellow स्प्लिट ऑफ line ब्लू पेल fellow स्प्रिट ऑफ line ग्रीन मिस्टी split ब्लू split pale fellow स्प्लिट ऑफ line ग्रीन स्प्लिट blue split pale fellow split ऑफ line ग्रीन मिस्टी pale fellow split ब्लू split ऑफ line ग्रीन पेल fellow split blue split ऑफ -line. line ठीक है एंड uh, अब अब ये स्प्रेड ऑफ लाइन जितने भी थे ना जितनी फीमेल्स में होंगी वो विजुअली ऑफलाइन होंगी चाहे वो पेल फेलो ऑफलाइन हो या मिस्टी पिल फेलो ऑपलाइन हो ठीक है या सिंपल ऑफलाइन हो अब जैसे आप सेकेंड पहला रिजल्ट देख लें ब्लू मिस्टी ऑफलाइन स्प्रेड पेल ठीक है ब्लू अपलाइन स्प्लिट पेलफेलो ब्लू मिस्टी पिल्फेलो अपलाइन जो बर्ड हम प्रोड्यूस करा रहे हैं वो बर्ड हमें इसके अंदर से आसानी से मिलेगा ब्लू पिल्फेलो अपलाइन ठीक है ग्रीन मिस्टी पिल्फेलो अपलाइन ग्रीन मिस्टी पेल फेलो ऑपलाइन स्प्लिट ब्लू अब इस तरह के रिजल्ट जब आपके पास आएंगे ना तो आपका भी दिल खुश होगा एंड जो बर्ड आपको देखेंगे तो उसकी क्वालिटी भी बड़ी अच्छी होगी चलते हैं अपनी नेक्स्ट पेन की तरफ अब हमने क्या करना है मिस्टी डायरी अपलाइन के ऊपर वर्किंग करनी है ठीक है डायरी बात है हम मिस्टी रिजल्ट निकालना है तो मिस्टी के लिए हमें एक आध बर्ड तो मिस्टी यूज़ करना ही होगा मिस्टी का कोई स्प्लिट नहीं होता ठीक है वो मिस्टी आपके पास विजुअल ही बर्ड है नहीं तो अगर आपके पास देख लेते अगर जिस तरह मैंने आपको पिल्फेलो की पेरिंग क्या बताया तो उसके अंदर कोई ना कोई स्प्रिट वो वो होता मिस्टी वर्ड होता तो मिस्टी क्या होता है कि डोमिनेंट वर्ड हो जाता है तो वो डोमिनेंट वर्ड का कोई भी स्प्लिट नहीं बनता ठीक है जैसे ग्रीन डोमिनेंट बर्ड है हमारे पास अब इसके अंदर आप देखें कि हमारे पास ग्रीन मिस्टी ऑफलाइन ठीक है आपके पास मेल्स uh, में आ रहे हैं ठीक है ग्रीन मिस्टी ऑफलाइन आपके पास अच्छा इसके अंदर पॉसिबल स्प्लिट डायल्यूड आएंगे ठीक है आपके पास क्योंकि आपने दोनों साइड में स्लट डायलो यूज़ किए वो वर्ड तो प्रोड्यूस होगा जो हम चाह रहे हैं इसके अंदर से जैसे हम चाह रहे हैं कि हमारे पास प्रोड्यूस हो आ, ग्रीन मिस्टी डाइल्यूट ऑफलाइन ठीक है तो आप देखें जैसे कि आपके पास ग्रीन मिस्टी ऑफलाइन ग्रीन मिस्टी ऑफलाइन आपके पास अब ये पॉसिबल में चला गया डाइल्यूट मिस्टी ऑफलाइन आपको थर्ड नंबर के ऊपर आप देखें मेल में तो डायल्यूट मिस्टी ऑफलाइन आपके पास आया हुआ है इसी तरह आपके पास ब्लू सीरीज़ में भी आपके पास डायलूट मिस्टी ऑफलाइन आएगा आगे चल के स्पेयरिंग में तो नहीं है क्योंकि स्पेयरिंग में हमने कोई ब्लू यूज ही नहीं किया हुआ नेक्स्ट नक्सपेरिंग में मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने ब्लू डायलूड ऑफ मिस्टी ऑफ लाइन कैसे निकल है इस तरह अब फीमेल्स के अंदर मैं फीमेल्स का इतना डिस्क्राइब नहीं कर रहा क्योंकि फीमेल का आपको पता ही होगा कि जो भी बर्ड आएगा वो ऑफलाइन ही होगा गहरी बात है क्योंकि इसके अंदर अब फर्श करें आपके पास जैसे मेल में ग्रीन मिस्टी स्प्लिट डायलोड स्प्लिट ऑफलाइन था तो उसके अंदर आपके पास ग्रीन ऑफलाइन मिस्टी पॉसिबल स्प्लिट डायलोड होगी ठीक है ये याद रखिएगा डायलोट मिस्टी ऑपलाइन की फीमेल भी आ सकती है आपके पास इसके अंदर से अच्छा स्पेरिंग में आप देखें हमने आ, ग्रीन मिस्टी ऑपलाइन स्प्रिट डायलोड स्प्रिट ब्लू को लगाया ठीक है ग्रीन डायलोट स्प्रिट ब्लू के साथ अब हमारे पास मोस्टली बर्ड हो जो होगा वो पॉसिबल स्प्रिट ब्लू होगा ठीक है जो ब्लू बर्ड नहीं होगा जो ग्रीन बर्ड आएगा हमारे पास या कोई तो डायलोट बर्ड आएगा वो पॉसिबल स्प्रिट ब्लू होगा क्यों क्योंकि हमारे पास ग्रीन मिस्टी स्प्रिट डायलोट स्प्रिट ऑपलाइन हम देखें पहला बर्ड देखें ग्रीन डायलोट मिस्टी ठीक है स्प्लिट ऑफ लाइन ठीक है स्प्लिट ऑफ लाइन इसलिए आएगा क्योंकि आपने एक वर्ड जो है विजुअली ऑफ लाइन यूज़ किया हुआ है डायलुड स्प्लिट ऑफ लाइन सिंपल वर्ड होगा अब ये क्या होगा पॉसिबल स्प्लिट ब्लू अब इसे कंसिडर करेंगे क्यों क्योंकि आपके पास जो होगे आगे चांसेस होंगे कि यार स्प्लिट ब्लू है या नहीं है क्योंकि दोनों वर्ड आपने स्प्लिट ब्लू यूज़ किए हैं जैसे जैसे नीचे आप आते जाएंगे ब्लू मिस्टी स्प्लिट डायलुड स्प्लिट ऑफ लाइन अब ये ब्लू बर्ड है ठीक है अब ग्रीन तो कोई स्प्लिट होता नहीं है तो ये ब्लू बर्ड है मिस्टी में भी है स्प्लिट डायल्यूट है और स्प्लिट ऑफ लाइन है स्प्लिट डायल्यूट स्प्लिट स्प्रिट ऑफ लाइन तो कन्फर्म ही होंगे क्योंकि एक विजुअली ग्रीन डायलूट है और एक विजुअली ग्रीन ऑफ लाइन है ब्लू डायलूट मिस्टी स्प्लिट ऑफ लाइन अब इसके अंदर से आपको आपको जो होगा वो फीमेल में ही आपका जो है ना मेन रिजल्ट होगा देखिए आप आपके पास थर्ड लास्ट पे लिखा हुआ है ब्लू डायल्यूट मिस्टी ऑफ लाइन ठीक है एंड ग्रीन डायलूट मिस्टी ऑफ लाइन तो आपके पास इसके अंदर से सिर्फ फीमेल्स में रिजल्ट आएगा मिस्टी डायल्यूट का ठीक हो गया चलते हैं अपनी नेक्स्ट पेयरिंग की तरफ अच्छा नेक्स्ट पेयरिंग के अंदर हमने क्या यूज़ किया ग्रीन ऑफ मिस्टी स्प्लिट डायलोट स्प्लिट ब्लू अब जैसे हमने उस साइड पे, 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 पे पिछली पेयरिंग में स्प्लिट ब्लू यूज़ किया था दोनों साइड पे ग्रीन पड़ते इसमें हमने क्या किया कि, कि हमने ब्लू डायलोट की सिंपल फीमेल ले ली ठीक है ग्रीन ऑफलाइन मिस्टी स्प्लिट डायलोट स्प्लिट ब्लू को हमने सिंपल ब्लू डायलोट की फीमेल के साथ लगा दिया ठीक है अब ब्लू मिस्टी स्प्लिट डायलोट स्प्लिट ऑफलाइन कन्फर्म ब्लू डायलोट मिस्टी स्प्लिट ऑफ लाइन कन्फर्म ब्लू स्प्लिट डायलोट स्प्लिट ऑफलाइन कन्फर्म ग्री ब्लू स्प्रिट ब्लू डायलोट स्प्रिट ऑपलाइन कन्फर्म ग्रीन मिस्टी स्प्रिट डायलोट स्प्रिट ऑफलाइन कन्फर्म अब इसके अंदर से आपके पास विजुल ऑपलाइन को नहीं होगा सारे स्प्रिट ऑफलाइन होंगे ठीक है लेकिन जो फीमेल्स होंगी ना वो 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 विजुअल ऑपलाइन होंगी एंड वो जो जो नहीं होंगी डायलोट में वो स्प्रिट डायलोट कन्फर्म होंगी ठीक है अब इसके अंदर ब्लू डायलोड ऑपलाइन ठीक है ब्लू मिस्टी डायलोड ऑपलाइन आपके पास स्पेरिंग से आएगा क्योंकि आपने मिस्टी यूज़ किया हुआ ठीक है ब्लू मिस्टी मिस्टी और ऑप्लाइन सेकेंड नंबर पर है ठीक है एंड इसी तरह ग्रीन मिस्टी मिस्टी और ऑप्लान आपके पास इसमें से भी आएगा तो ये पेयरिंग बहुत ही अच्छी पेयरिंग है अगर आपके पास पैसे हैं और आप लगाना चाहते हैं तो इस तरह की पेयरिंग लगाएं है। चलते हैं आज की लास्ट पेयरिंग के ऊपर जिसमें हमने ब्लू डायलोड स्प्लिट और लाइन का मेल ले लिया ठीक है एंड ग्रीन मिस्टी स्प्रिट डायलोड स्प्लिट ब्लू की फीमेल ले ली अब इसके अंदर से जो रिज़ल्ट निकलता है वो शेयर करते हैं लास्ट में अच्छा इसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है ब्लू मिस्टी स्प्लिट डायलोड ठीक है एक हमने व्यूचर डायलोड यूज़ किया है ठीक है हमारे पास कंफर्म वो होंगे स्प्रिट डायलूट के पीस होंगे एंड पॉसिबल स्प्लिट ऑफलाइन होंगे ठीक है ये याद रखिएगा जितनी भी देखें अगर आप मेल्स में पहले पहले रिजल्ट देखें तो उनके साथ स्प्लिट ऑफलाइन नहीं लिखा हुआ ठीक है वो नीचे की साइड पर देखें तो लिखा हुआ है उसका मतलब ये होगा कि आपके पास या तो ब्लू मिस्टी स्प्रिट डायल्यूट या स्प्लिट ऑफलाइन आएगा या तो ब्लू मिस्टी स्प्रिट डायलोट आएगा ठीक है तो आपके पास फीमेल्स में जो होंगे वो ब्लू डायलोट मिस्टी ऑफलाइन ठीक है ये भी आएगा एंड ग्रीन डायलोट मिस्टी ऑफलाइन ये भी आएंगे लेकिन वो जहरी बात है सिंपल भी होंगी जैसे ब्लू स्प्रिट डेलिड होगी या ब्लू डैलूड होगी तो इस तरह की पेरिंग लगाएं ताकि आप लोग को फ़ायदा हो जितना आप अच्छा बर्ड लगाएंगे कुछ पेरिंग इसके अंदर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे लिए और आपके लिए लेकिन पेरिंग थोड़ी सी महंगी होती है जहरी बात है थोड़े से पैसे खर्च करके एक अच्छी पेरिंग लगाएं लेकिन उसका जब रिजल्ट आएगा तो आपको भी मज़ा आएगा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़